हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल ओनली टेक सपोर्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फिनिक्स स्मार्ट एसडी 2021 के अंदर अगर आपको फिंगरप्रिंट सेटअप करना है तो कैसे करें। जब आप एक नया फ़ोन खरीदते हैं तो उसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट सेटअप करना बहुत ज़रूरी रहता है, जिससे आपका डाटा सेफ रहे, कोई आपका डाटा लीक ना कर सके और आपकी बिना परमिशन के आपके फ़ोन को यूज भी ना कर सके। तो गाइस, वीडियो में बहुत सिंपल सिंपल स्टेप रहने वाले हैं, जिन्हें फॉलो करके आप अपने फ़ोन के अंदर फिंगरप्रिंट सेटअप कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो एंड तक जरूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने अब तक हमारा चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल कर लें सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो आपको फिंगरप्रिंट सेटअप करने के लिए सबसे पहले चलना होता है सेटिंग में। तो यहाँ से हम आ जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ आपको एक ऑप्शन देखो मिल जाता है सिक्योरिटी एंड लोकेशन, हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ से आपको ऑप्शन देखो मिल जाता है फिंगरप्रिंट। तो सिंपली हम फिंगरप्रिंट पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप फिंगरप्रिंट पे क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ आपको ऑप्शन देखो मिल जाता है फिंगरप्रिंट, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ से आपने जो अपने फ़ोन के अंदर पैटर्न लॉक डाल रखा होगा पहले से, वो पैटर्न डाल दें यहाँ से। सिंपली यहाँ से हम अपना पैटर्न डाल देते हैं। यहीं आपको ऑप्शन देखो मिल जाता है क्रिएट फिंगर। अब अपनी फिंगरप्रिंट सेंसर पर क्लिक करेंगे आप यहाँ से, हाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा फिंगरप्रिंट ऐड हो रहा है। तो इस प्रकार से आप अपने फ़ोन के अंदर फिंगरप्रिंट सेटअप कर सकते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं हमारा फिंगरप्रिंट ऐड हो चुका है। इसे यहाँ से हम कर देंगे फिनिश। जैसे आप इसे फिनिश करेंगे तो यहाँ आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से आपको ऑप्शन देखने मिल जाता है फिंगरप्रिंट वन आपका ऐड हो चुका है। अगर आप एक से मल्टीपल फिंगरप्रिंट यूज करना चाहते हैं तो यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है क्रिएट फिंगरप्रिंट, इस पर क्लिक करके आप एक से अधिक फिंगरप्रिंट यूज कर सकते हैं। यहीं आपको ऑप्शन मिल जाता है अनलॉक स्क्रीन फिंगरप्रिंट से करना चाहते हैं ऑन ही रहने से, एक्सेस ऐप लॉक अगर आप फिंगरप्रिंट से यूज करना चाहते हैं इसे भी ऑन ही दें। यहीं आपको ऑप्शन मिल जाता है एक्सेस एक्स हाइड, जो आप ऐप हाइड करते हैं वो भी आप फिंगरप्रिंट से एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो इन तीनों को ऑफ कर दें, हम इन्हें करना चाहते हैं इसलिए हम इन्हें ऑन रहने दें। तो चलिए यहाँ से हम बैक चलते हैं। अब मैं आपको चेक करा देता हूँ कि हमारा फिंगरप्रिंट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ से हम आ गए बैक और अपना फ़ोन किया हमने लॉक। अब हम इसे चेक करते हैं अपनी फिंगरप्रिंट से। जैसे ही आप देख पा रहे हैं कि फिंगरप्रिंट काफ़ी फास्ट काम कर रहा है हमारा। इस प्रकार से आप अपने फ़ोन के अंदर फिंगरप्रिंट सेटअप कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले।